हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट कुलाम कार्यम तथा वैद्युत क्षेत्र क्लास 12, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा क्या पढ़ा है, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, इस तरह से हम पढ़े ना, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मान लीजिए माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, दो समान चार्ज होते हैं और आवेश विपरीत होता है, और ये मेरा जो है ये मध्य बिंदु है, इसको वो मान लेते हैं, यहाँ से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, ठीक है ना, इस मध्य बिंदु से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। तो इस पर हम लोगों ने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, 1/4πε0 × 2π/r³। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, आने का मतलब है ये इस तरह से है, ठीक है ना, इक्वेटोरियल मतलब इसके मध्य बिंदु को के लंबवत, मध्य बिंदु के लंबवत कोई पॉइंट पी है। तो इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी इसको हमने पढ़ा, 1/4πε0 × p/r³, है ना। तो ये है अगर अक्ष के अनुदिश है, और ये है कि इसके मध्य बिंदु के लंबवत, ठीक है ना, किसी बिंदु पर निकालना है। लेकिन ये है कि यदि मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ये मान लीजिए माइनस क्यू है, ये पॉइंट चार, और यहाँ मान लेते हैं ये पॉइंट चार जो है प्लस क्यू है, इसको हम मिला देते हैं, ये इसका हो गया मध्य बिंदु, इसको हम वो मान लेते हैं। अब हमें किसी भी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, अब हमें इस पर निकालना है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, है ना, और इसका डिस्टेंस कितना है, आर है, और ये जो एंगल बना रहा है ये कितना है, थीटा। अब हमें इस पॉइंट पर निकालना, अब आप गौर कीजिए, ये ना तो इस कंडीशन का पालन कर रहा है, इस कंडीशन पे है ना, इस कंडीशन पे, ठीक है ना, ना ये इक्वेटोरियल पे है, मतलब मध्य बिंदु के लंबवत भी नहीं है, और ये क्या है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, ये इसके अनुदिश भी नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो आपको ध्यान सिर्फ थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि जब ये वैद्युत द्विध्रुव है तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, है ना, यानी इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा, ये इस चार्ज से माइनस चार्ज के से क्या होगा, प्लस चार्ज की ओर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक जो मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा ये माइनस से प्लस की ओर होगा, तो इसको हम मान लेते हैं इधर मिलेगा हमें, है ना। तो हम क्या करें, चलो इसी को हम तोड़ देते हैं, अगर इसी को हम तोड़ दें तो ये जो मेरा होगा थीटा, तो थीटा का जो होगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये किसी के परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो ये क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा पी साइन थीटा, क्या होगा, पी साइन थीटा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये जो है ये इस पर, इस पॉइंट पी पर, ठीक है ना, तो इंटेंसिटी होगी ये इस डायरेक्शन में होगी, तो जब इस डायरेक्शन में होगा तो हो गया हमारा इवन, ठीक है, और इसके कारण जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, ई टू, ठीक। अब इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी, इसके कारण इधर होगा और इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा और इसके कारण इधर होगा, तो ये ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बल्कि हमें इसकी इंटेंसिटी यहाँ मिलेगी, ठीक है ना, इसका जो नेट इंटेंसिटी होगा ये हमें यहाँ मिलेगा। यानी अब हम आसानी से इसको लगा सकते हैं, और मान लेते हैं कि ये ओपी के साथ जो एंगल यहाँ बना रहा है, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं। अब बड़ा ही आसान है और आसानी से इसको हम लगा सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए माना वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्वि
ध्रुव है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना। वैद्युत ध्रुव ए बी, वैद्युत ध्रुव ए बी माइनस क्यू व प्लस क्यू से बना है, ठीक। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर बिंदु, आर दूरी पर यहां से ये आर दूरी पर इसका डिस्टेंस कितना है, आर है, कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। आर दूरी पर बिंदु पी है, पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो आप देखो ये जो ई नेट होगा, ये जो मेरा ई नेट होगा, जो टोटल इंटेंसिटी, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये ई वन ई टू को जोड़ने से मिलेगा, तो वेक्टर ई इज इक्वल टू में मिलेगा वेक्टर ई वन प्लस वेक्टर ई टू, है ना। अब हम पहले इवन और ई टू का हम क्या करते हैं, हम पहले इवन और ई टू का वैल्यू निकाल देते हैं, और वैल्यू निकाल के क्या करते हैं, रख देते हैं। तो वेक्टर जो हमारा इवन है, वेक्टर इवन का जो परिमाण होगा, तो जब परिमाण होगा तो वेक्टर चिन्ह हटेगा, तो जो मुझे इवन बराबर मिलेगा, इवन बराबर क्या मिलेगा, इवन बराबर मिलेगा क्या, देखिए इवन किस फॉर्म में है, अब आप ध्यान दीजिए ये इस फॉर्म में है ना। अभी देखिए ये जो मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये अब जानो खत्म हुआ, क्योंकि मैंने इसे दो भागों में तोड़ दिया, एक हमने पी कॉस थीटा ले लिया, एक हमने पी साइन थीटा ले लिया, तो जो इवन है ये पी कॉस थीटा के अनुदिश है ना। तो ऐसे स्थिति में इवन बराबर जो मेरा होगा वो क्या होगा, ये एक्सियल फॉर्म में, ये क्या है, इस अक्ष के अनुदिश है ना, तो यहाँ हम ये लगा देंगे तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p cos थीटा, क्या हो जाएगा 2p cos थीटा, क्या हो जाएगा 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, है ना। अब हम e2 निकाल लेते हैं, तो e2 हमारा क्या है, अब ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये मध्य बिंदु है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे आगे लीजिए, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो यहाँ ये लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हो जाएगा पी साइन थीटा, क्या हो जाएगा पी साइन थीटा, ये इक्वेटोरियल वाला पी साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा पी साइन थीटा भाई क्या हो जाएगा आर क्यू, है ना। अब हम इसको बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं, यहाँ लिखिए, इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर आप पढ़े हैं ना क्लास 11 में, जो रिजल्ट होता है आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा 90, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो वो तो खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वेक्टर, हमें मिलेगा इवन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, ये मिलेगा ना। तो हमें इवन का वैल्यू कितना है, इवन का वैल्यू इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p cos थीटा बाई आर क्यू, फिर ये हो गया प्लस ई टू, तो ई टू का आप यहां से देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p sin थीटा बाई आर क्यू, है ना। अब देखिए इसका क्या है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, ठीक है, पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी, आर क्यूब यहाँ भी, आर क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³ का होल स्क्वायर ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और cos थीटा, ये हो गया 2 cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, प्लस ये बाहर हो गया p बाहर, r क्यू बाहर, क्या बचेगा sin थीटा, ये हो गया sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये इसका स्क्वायर है, तो इसको हम बाहर रहे मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ये हम क्या करेंगे, ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पावर कुछ नहीं, तो कर्णी का पावर 2 है। अब आप ये जानते हैं कि
अगर रूट ए है, ए स्क्वायर है तो बराबर ए होता, तो इसका स्क्वायर है तो ये बाहर हो जाएगा, तो हमें ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें ई इज इक्वल टू मिलेगा, क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू, ई का वैल्यू ये निकल रहा है, इसको हम बाहर ले लेंगे, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब इंटू रूट में हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर होगा 4 और कॉस का होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन का हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमें इस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट क्या है, इस मध्य बिंदु से जो एक्सियल फॉर्म में है और डिस्टेंस पे है जो पी कॉस थीटा के अनुदिश है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, तो हमें मिलेगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब इंटू, अब यहाँ ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनल रिजल्ट हमें ई बराबर मिल गया, क्या मिल गया, ई इज इक्वल टू हमें मिला 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यूब इंटू, अब देखिए इस वन को हम पहले लिख दे रहे हैं, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा से 1 कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो ये बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया मेरा, ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना, ये मेरा हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पी, बात समझ में आई। अब इसका यूनिट लिख देते हैं, ई बराबर क्या होता है, ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, तो एफ का मात्रक न्यूटन होता है, एफ का यूनिट न्यूटन, और क्यू का होता है क्यू मीन्स आवेश का यूनिट कूलम, ये हो गया न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, इतना तो समझ गए। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन निकालना है, चलिए हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ मान लीजिए, यहाँ लिखिए माना 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 वेक्टर ई ओ पी के साथ, माना ये वेक्टर ई है ना, यही तो इंटेंसिटी है, और ये क्या है ओ पी है, ओ पी के साथ फाई कोण बनाता है, तो कितने डिग्री के साथ जाएगा, तो मतलब डायरेक्शन क्या होगा, तो माना वेक्टर ई ओ पी के साथ, ओ पी के साथ, ओ पी के साथ फाई कोण बनाता है, फाई कोण बनाता है ना। तो ऐसे स्थिति में यहाँ लिखिए, इसलिए डायरेक्शन टेन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई टू अपॉन इवन, ये हो जाएगा ई टू अपॉन इवन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ये है ना, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर ये है, तो हमारा क्या है ई टू है, तो ये हो गया ई टू अपॉन इवन, तो ई टू क्या है, ई टू हमारा है पी साइन थीटा। अब हम इसको वहां से लेंगे, तो जब इसको हम वहां से लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू, देखो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन, फिर इसका भाई डिवाइड करेंगे इवन, तो इवन का हमें क्या मिलेगा 2p, 2p cos थीटा बाई आर क्यूब, क्या मिलेगा 2p cos थीटा बाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 2p cos थीटा अपान हो जाएगा आर क्यू, या हमें मिलेगा, या हमें मिलेगा टेन फाई इज इक्वल टू, अब देखो ये आर क्यू से ये आर क्यू कैंसिल हो जाएगा और पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा साइन थीटा अपान टू कॉस थीटा, है ना। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेन फाई इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/2 इंटू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, है ना, बस हो गया, या हमें मिल गया इसका जो फाइनल रिजल्ट है tan phi इज इक्वल टू 1/2, क्या हो गया 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, ये हो गया tan थीटा, है ना, ये हो गया tan थीटा, ये हमारा हो गया ठीक डायरेक्शन। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान ही देना है, अगर हमें ठीक है ना मध्य बिंदु से किसी पॉइंट का डिस्टेंस पता हो और थीटा पता हो, तो हम किसी भी जगह का कहीं का भी किसी भी स्पेस के बारे किसी भी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर दूरी बढ़ती जाएगी
दूरी बढ़ती जाएगी तो ऊपर का हमें ऊपर किसी भी पॉइंट को ऐसे मान लो ये डिस्टेंस यहाँ तक गई है ना 10 मीटर 5 मीटर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तो यहाँ हमें आर हमें ऊपर का मिलता जाएगा। अगर डिस्टेंस घटती जाएगी तो हमें नीचे का मिलता जाएगा। इसी तरह से थीटा बढ़ता जाएगा तो इधर मिलता जाएगा, घटता जाएगा तो मिलता जाएगा। यानी कहने का मतलब मध्य बिंदु से अगर हमें वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से ठीक है थीटा का मान और आर का मान दिया है तो हम किसी भी पोजीशन पर किसी भी बिंदु पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए मेरा ये फार्मूला यूज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपॉन आर क्यूब इनटू √1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। और डायरेक्शन निकालना है ठीक है ना, इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है तो tan phi = 1/2 tan थीटा। आई होप आपके समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।